आ गई 100 दिन बीच में. 100 दिन ये फोन. मुझे एक बात बताइए, आपके इस फोन को पता कैसे चलता है कि हम दोनों का मोमेंट बन रहा है जो खराब करने बच जाता है हमेशा. जाइए उठा लीजिए, अर्जेंट होगा. दुनिया में ऐसी कौन सी लड़की होगी जो अपने पति से ये कहेगी कि कर लो, अपनी सौतन से बात कर लो. कमाल है यार. उठा लीजिए पृथ्वी जी, वरना बोलेंगे कृति 2 मिनट सा ऑफिस से अर्जेंट कॉल आ रहा है. 2 मिनट, जाइए. कृति 2 मिनट सा अर्जेंट कॉल है और यहीं पे बात करता हूँ. जाइए. सॉरी, मुझे पता है थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी से बात की थी, तुम्हारा ईगो हर्ट कर दिया था, लेकिन तो हेलो प्रीति, तुम इतने चुप क्यों? प्रीति कहाँ हो तुम? काम में बिजी हूँ. अच्छा, कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही है तुम्हारी, जो इतनी धीरे धीरे आधे शब्दों में बात कर रहे हो? तुम्हारे सिर पर कोई खड़ा है क्या? नहीं नहीं, मैं तो वहाँ पे मैं वो सॉरी सॉरी फोन. कृतिका के रूम में हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. फाइन, मैं कृतिका के कमरे के बाहर खड़ी हूँ. तुम्हें वीडियो कॉल करूंगी, अगर तुमने नहीं उठाया ना, इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम कृतिका के साथ उसके कमरे में हो. अरे मेरी बात तो सुनो. गॉड, मैं तो गया काम से. बेबी ने कहा कि वो कृतिका के रूम के बाहर है और मैं कृतिका के रूम के अंदर. अगर मैंने इसका वीडियो कॉल रिसीव कर लिया ना, तो एक सेकंड में पकड़ लेगी मुझे. बैकड्रॉप देख के, वॉलपेंट देख के पकड़ लेगी कि मैं वाकई में झूठ बोल रहा हूँ और कृतिका के रूम में हूँ. मैं क्या करूँ, कहाँ पे बात करूँ, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बात करूंगा तो उसे नहीं लगेगा कि मैं कृतिका के रूम में हूँ. एक काम करता हूँ, ये बेडशीट के अंदर छुप जाता हूँ, इसके अंदर छिपके बात करता हूँ, उसको पता ही नहीं चलेगा. नहीं, अब बेवकूफ नहीं है, उसे पता चल जाएगा. एक काम करता हूँ, ये कर्टन बैकड्रॉप बना देता हूँ, सफेद बैकड्रॉप, पता ही नहीं चलेगा कि पेंट है या क्या है. गॉड बचा लेना प्लीज. मैं वो चलिन, बिजी थी? नहीं मम्मी जी. शर्लिन, मैं ये कह रही थी कि आज जन्माष्टमी है, बाल गोपाल का जन्म होगा. प्रीता बाहर सजावट कर रही है, पालना बना रही है, श्रृंगार कर रही है और आज शाम को आरती भी करनी है, तो सारी तैयारियों में प्रीता की हेल्प कर दो. थैंक यू. थैंक गॉड बच गया, वरना तुम्हें काम से कहा था. थैंक गॉड. मिस्टर गॉड, तू सीक्रेट हो. पुत्र ये रहे कान्हा जी, आज जन्माष्टमी है तो इनका श्रृंगार बहुत अच्छे से करना है. मम्मी जी, मैं इन्हें स्नान करा दूं? हाँ पुत्र, करवा लो, लेकिन इनका अभिषेक दूध दही. हाँ मम्मी जी, मुझे पता है, दूध दही पंचामृत मिला के मैं इनका अभिषेक कर दूंगी और इन्हें अच्छे से सजा भी दूंगी. ठीक है प्रीता. पुत्र मैं ये कह रही थी कि पालने की डोर थोड़ी लंबी रखना, ताकि आरती के वक्त जब हम कान्हा जी को झूला झुलाएं तो अच्छे से झुला सके. ऐसे थोड़ी ना झुलाते हैं, बच्चा है यार, उसको एंजॉय करना है. ऐसे थोड़ी ना, मैं बताता हूँ कैसे होता है. अरे ये क्या करो, छोटा सा बच्चा होगा वो, इतना सा, अब इतनी जोर से पालना हिलाओगे तो पालने से डर जाएगा, फिर उसमें बैठेगा नहीं. बस तुम बैठ जाना. हाँ क्या सोच रही हो? यही कि हमने तो सोचा था कि हमारे खुद के बाल गोपाल होंगे, छोटे से नटखट से इधर उधर घूमेंगे, जिन्हें हम पालने में झुलाएंगे सलाएंगे. क्या ये बच्चा 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 लगा सकती हो? हम बच्चे से कम है क्या इस घर में? हम लोग भी तो शरारत करते हैं, सब लोग हमें बच्चा समझते हैं.
मैंने पहले भी कहा है प्रीता, थोड़ा वक्त दो हर चीज को, प्लीज। करण, मुझे पता है कि मेरी बातें सुन सुन के अब तुम परेशान हो गए, पर क्या करूं, इतना दिल टूटा है तो कुछ दर्द तो चेहरे पर भी आएगा ना। हम दोनों में से किसी को तो स्ट्रॉन्ग होना होगा प्रीता, दोनों कमजोर नहीं पड़ सकते। आई थिंक मुझे ही स्ट्रॉन्ग होना होगा, फिर चाहे मैं अंदर से कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हूं, कम से कम दिखाया बोल तो बिल्कुल नहीं सकता। हे कान्हा जी, आज के दिन आपका जन्म हुआ था और आज ही के दिन आपने माँ यशोदा की कोख भरी थी, उनके दिल में ममता, पूरे गांव में खुशियां भरती थी। मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही चमत्कार कर दीजिए ना, मेरी गोद में भी एक बाल गोपाल डाल दीजिए ना। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारन हार मेरे तुम ही के वैया, तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज। सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे, भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सबका ताता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण सुदेवा। कौन हो तुम? लेकर आप यहाँ कैसे आए? किसी के साथ आए हो? कौन लेके आया आपको? हाँ बताओ ना बेटा, कौन हो आप? पहले मुझे ढूंढो तब बताऊंगी। अरे पीहू, अभी तो यहाँ थी, कहाँ गई? हमारे घर में हमें नहीं मिल रही, ढूंढो इसे, कहीं गई होगी। मिली क्या? नहीं, कहाँ गई पता नहीं, अभी तो यही थी। अच्छा ठीक है, ओके, मैं हार मान गया, अब हार आ जा। मैं जीत गई, मैं जीत गई, आप हार गए, मैं जीत गई। प्रीता मतलब तुम तो यार मेरी टीम में थी ना,
टीम में? मैं तो किसी भी टीम में नहीं थी। तुम्हारी बात तो पीहू से डायरेक्टली चल रही थी ना, उसने तुम्हें कहा ढूंढने के लिए और तुम उसे ढूंढ रहे थे। गेम तुम दोनों के बीच में थी और पीहू जीत गई। राखी माँ। प्रीता इनको राखी माँ बुलाती है और मैं इनको मॉम बुलाता हूँ। तो मैं आंटी बुलाऊँ क्या? पुत्र जो मन करे बुलाओ, लेकिन पहले नीचे आओ। हम्म, तुम दोनों इसे लेके नीचे आओ। मॉम है कौन ये? करण, प्रीता तुम दोनों नीचे आओ, सब पता चल जाएगा। हम्म, चले पियू। भूख लग रही है। भूख लग रही है तो पहले तुम्हें किचन में लेकर चलते हैं। जो मन करेगा ना वो खा लेना। आओ चले। पीहू ये कौन सी फिंगर है? ये इंडेक्स। और ये? मिडल। और ये? पिंकी। और जब हम ऐसे करते हैं तो वो क्या होता है? पिंकी प्रॉमिस। आपकी पीहू बहुत ही क्यूट है, लेकिन इसे थोड़ी भूख लग रही है, तो हम इसे किचन में लेकर जाते, जो पसंद होगा वो खुद खा लेगी। अरे अरे ये कौन है क्यूट सी एंजल जैसी लड़की? सैमी बैठ बैठ। कौन है? और वैसे भी इसका लंच का टाइम हो गया है, इसका लंच करा दीजिए। लंच टाइम हो गया? राइट, लंच टाइम हो गया। चल चल के कुछ अच्छा खाते हैं। दादी ये कौन है? देखो इतनी क्यूट है, इसके घर में आती थी रौनक लग गई है। ये कौन? ये आपकी बेटी है? आपकी बेटी है? बताओ ना कौन है? ये देखो पीहू, अब खुद डिसाइड कर लो आपको इसमें से क्या खाना है। लड्डू लड्डू खाओगे? नहीं? अच्छा ये वाली मिठाई देखो, इसमें ग्रीन कलर भी है। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ये भी नहीं खाना? क्यों? ये? ये? अरे? तो आप ही बता दो भाई कि आपको क्या खाने का मन है? मुझे रोटी सब्जी खानी। रोटी सब्जी? ये बहुत पसंद है। तो आप इधर आके बैठो, हम आपके लिए रोटी सब्जी तैयार करते हैं। मैं भी खाऊंगा साथ में। ओके जो है अलबेला मद नैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की। यार आपकी तरह लेबू छोड़ी हो
के अपनी गाल पे थप्पड़ मारूं। वेरी गुड पीहू। तुम्हारी तरह प्रीटी और मेरी तरह स्मार्ट है। चलो खाना खाएंगे खाना खाएंगे खाना खाएंगे। ये देखो कितना अच्छा अच्छा घर का खाना, ये तो पसंद है ना? नहीं, मुझे रोल बना के दो। रोटी का रोल बना के दो। ओके फाइन। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। मैं खाऊं? प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला ही जपती है वो जोगन। या क्या है? ये कुछ नहीं। पता नहीं, आपको देखकर खुश हो रहा है। बुआ, आपकी करण भाई से बात हुई? हाँ हुई तो थी। क्या बोले? अभी नहीं हुई, पहले हुई थी। पता नहीं बोले क्या, भाई ने क्या बोला? जो हम चाहते हैं वही हो रहा है, और जो हम चाहते हैं वही करण प्रीता चाहते हैं। ग्रेट न्यूज। वैसे तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ आई थी। अरे मजा आया ना? मम्मा के पास जाना है? मेरी मम्मा नहीं है। अरे ऐसे नहीं कहते, शायद आपसे नाराज है तो। जा। अरे पीहू बेटा, मैं जाता हूँ, कहीं इतने बड़े घर में खोई ना जाए। अरे करण, तू कैसी बातें कर रहा है पुत्र? तू ऐसी बात कर रहा है जैसे ये घर नहीं मुंबई शहर हो। अरे कहाँ खो जाएगी, यही घर पे ही तो है, और जहाँ भी होगी हम उसे ढूंढ लाएंगे। तुम दोनों यहाँ बैठो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। करण, प्रीता, पीहू कैसी लगी? पीहू? वो तो बहुत ही क्यूट है। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके बच्चे होते हैं। तू समझ, तू किस्मत वाली है। पीहू तेरी किस्मत में लिखी है, हमने तेरी गोद भर दी। पीहू तेरी है। क्या मतलब? बुआ, ये लोग वही हैं जिसके बारे में बात हुई थी? हाँ बेटा, वही लोग हैं। प्रीता, इनमें से पीहू की कोई मॉम नहीं है। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मेरी फ्रेंड का एक अनाथ आश्रम है, ये दोनों वहीं काम करती हैं, गायत्री और शिल्पा। हमारे एनजीओ में वो बच्चे आते हैं जिनके या तो माँ बाप नहीं होते, अनाथ होते हैं, या फिर वो बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, या फिर वो बच्चे जिनके माँ बाप पैदा करके उन्हें यहाँ वहाँ छोड़ देते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कोई होता ही नहीं है। फिर हम उन्हें अपने घर लेके आते हैं,
सुंदर सा प्यार देते हैं वो हमारे हो जाते हैं और हम उनके हो जाते हैं। नहीं प्रीता, ये नहीं हो सकता। अब हमारा एनजीओ आपसे कुछ सवाल जवाब करेगा और कुछ फॉर्मेलिटीज आपको हमारे एनजीओ में आके करनी होगी। वैसे मैक्सिमम फॉर्मेलिटीज तो आज हो ही गई हैं क्योंकि पीयू का आज एडॉप्शन है। वैसे लूथरा फैमिली को कौन नहीं जानता है, आपका खानदान तो बहुत संस्कारी और बहुत नाम है। इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है एक बच्चे के लिए। शिल्पा, गाड़ी में कुछ पेपर्स पड़े हैं, आप लेके आ जाइएगा और लैपटॉप भी लेके आ जाइएगा। इनकी काफी टाइम से ऑनलाइन कॉन्वर्जेशन बात हो रही है तो सुपीरियर से इनकी बात करवा देते हैं, है ना? ठीक, मैं पेपर्स लेके आती हूँ। सीनियर से अभी आपकी बातचीत हो जाएगी और जैसे ही वो अप्रूवल करते हैं आपको पेपर्स पे साइन करना, ये लास्ट फॉर्मेलिटी है। उसके बाद आपको बेटी मिल जाएगी और पीहू को उसके पेरेंट्स मिल जाएंगे।